ए भैया राम बच्चन भैया बड़ी अजीब बड़ी अनमोल चीज प्रस्तुत कर दिलन। कौनो लड़का का बियाह हो गए जितेंद्र भाई, लड़की का बियाह हो गए लड़का का बियाह बाकी बा। उ जातिया दिन पड़ गयल ई रोवत हुआ, लड़की कहत काहे रोवत हुआ तो हम अपन बियाह कल कहत हूँ। तो जा जात बारू तो ठीके है, लेकिन जवन जौन हमारा संगे कह के गई बड़ू भूलात नहीं की का कहलन हा। चाचन खुश रहिया चाचन खुश रहिया हमके भूला के, चाचन खुश रहिया हमके भुला के सैया जी के करवाने काटी के करे जावा काटी के करे जावा तू चाल दलू गोरी हरी के सुनोरवा में हाय जान काटी के करे जावा महत्मा यह कहलस बीतत नहीं खाती नहीं कटत नहीं खा रात हो कहीं तोहार घात हो सुत के वेरी गुड सुत के वेरी गुड नाइट के मेल से वेरी गुड नाइट के मेल से मॉर्निंग भोरव में काटी के करे जावा काटी के करे जावा तू चाल दलू गोरी भर के सिन्हरवा में आए जान काटी के करे जावा तू चाल दलू गोरी भर के सिन्हरवा में बाबा जोगिया हो राम अच्छा साथियों आप लोगों के बीच में एक ऐसे विरहा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आजमगढ़ की सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी चार लाइन भूमिका में कहना मैं भैया
देवल धरा पावन तमसा का पानी, तपो भूमि दुर्वासा की आजमगढ़ है। दत्तात्रेय ऋषि चंद्रमा की धरोहर, आभा की पहचान भी आजमगढ़ है। घटना घटी एक ऐसी यहां पर, अपवन हुआ पवन तमसा का पानी। जहां दम को थोड़ी मनोता पैसे पर, लिखते लिखते कलम रो पड़ी है कहानी। बिरहा में एक लाइन को वाली का अंदाजा मास्टर साहब, किसी दीवाना ने किसी दीवानी से कहा, क्या कहा? दीवाना मैं हूं तेरा, दीवाना मैं हूं तेरा, दीवाना मैं हूं तेरा, मैं तुम्हें बता दूंगा। दीवाना मैं हूं तेरा, मैं दीवाना मैं हूं तेरा, मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे दीवाना मैं हूं तेरा, मैं तुम्हें बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा। क्या तेरी दीवानगी, तेरी दीवानगी मैं जान भी उतार दूंगा, तेरी दीवानगी मैं जान भी उतार दूंगा। राह में गौर करिएगा, कहीं पर इज्जत को लूटने वाले पैदा हैं और कहीं पर इज्जत को बचाने वाले भी पैदा है। कहीं पर दुशासन पैदा है तो कहीं पर कृष्ण पैदा है। भाव है मास्टर। हुआ अंधा जमाना, उस चाचा के प्रति कहना है क्या? हुआ अंधा जमाना सभ्यता को लूट गया, हुआ अंधा जमाना सभ्यता। हुआ अंधा जमाना सभ्यता को लूट गया, हुआ अंधा जमाना सभ्यता को लूट गया, लूट गया। जहां इंसानियत, जहां इंसानियत का याद साया उठ गया, जहां इंसानियत का याद साया उठ गया। कभी देते हैं नज़्म का भाव और होती है कहानी की शुरुआत। कैसे मास्टर? सुनाऊं दोस्तों अजीब ये कहानी है, सुनाऊं दोस्तों अजीब ये कहानी है। ख्याल करने से जाता आंखों में पानी है। जिला आजमगढ़ जहां सदर कोतवाली थाना है, जिला आजमगढ़ जहां सदर कोतवाली थाना है, वही की घटना से गम में डूबा जमाना है। बेटी अंजनी विधाता उनसे रूठ गए, छोटी बिटिया है, माता पिता का साया
सर से उठ गया, अनाथ है, टुअरी बन गई बेटी अंजनी, कहना है बेटी अंजनी विधाता उनसे रूठ गया, माता पिता का सर से ईसाया रूठ गया। कहां भूले हो आज श्याम मुररिया वाले, कहां भूले हो आज श्याम मुररिया वाले, हमें तू भूल गए काली कमरिया वाले। जा प्रहलाद के भक्ति के बचौले रहला, जा प्रहलाद के भक्ति के बचौले रहला, भार के खंभ सिंह रूप देखौले रहला। खींचता चीर दुशासन ने अत्याचार किया, कलप्ति द्रौपदी ने हरि का जब पुकार किया। हे भैया, मैंने पहले बताया कहीं पर दुशासन पैदा है तो कहीं पर दुशासन को पराजित करने वाले नटनागर ग्वाला कृष्ण कन्हैया भी पैदा हुए हैं। ए भैया, ए आजमगढ़ जिला सदर कोतवाली थाना के अंतर्गत का घटना बा। सदर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जो बड़ा चर्चित गांव है, राजनैतिक गांव है, जहां पैदा हुए रामायण यादव। अरे वाह, वह धरती आजमगढ़ है जहां पर प्रधान विनोद यादव पैदा हुए। उसी गांव में एक परिवार है जोखन का, और जोखन के बेटा नीरज और पुत्र बधु बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। कुछ दिन तक जोखन बिचारा अपने छोटी पोती को अंजनी को पालन परवरिश करने का काम किए, लेकिन हे भैया कुछ है दिन बीतल और जोखन में दुनिया के छोड़ चलन। आज अंजनी अनाथ हो गई, अंजनी के केहू न बचल, अंजनी रोज बड़ी विरह में एक लाइन तरज मास्टर। उहे तरतबा सारी हम ना पहला बराजा, सारी हम ना पहला बराजा, रेलिया के ड्राइवर सारी हम ना पहला बराजा, रेलिया के ड्राइवर। कोलबास बहादुर ग्राम पंचायत में एक बेटी रो रही है, माता पिता दुनिया से चले गए, लेकिन रोत बा दिलवरतिया लागे बाबू, दिलवरतिया लागे बाबू जैसे पहाड़, दिलवरतिया लागे बाबू। दुवर हो गईली कुमरिया, गईली मामा के दुवरिया, दुवर हो गईली दुवर हो गईली कुमरिया, गईली मामा के हो दुवरिया, ओहुना रा पवलिए बाबू, ओहुना रा पवलिए बाबू बरस नैना धार। बे भैया, मामा केहन जब अंजनी बिटिया गेली, कुछ दिन मामा केहन पारल परवरिश भइल, जब बिटिया अंजनी शयान हो गेली, मामा के सर पर चिंता का बादल मंडराने लगा। ई अंजनी जब सयान हो जाए तेकर विवाह करे के हम ही के पड़ी, लेकिन हे भैया अंजनी वहां रह न पोली। अंजनी अपने कोलबाज बहादुर गांव आजमगढ़ में आई और आके कुछ है दिन रहली, अब बुआ लेके उनके अपना घरे चल गईली। बिरहा में एक लाइन तरस बदल गेल मास्टर।
ए भैया एके बला भाई लोग तर्ज के गावेला। अरे यही पार गंगा माई हो, वही पार चामुना हो। बिछवई में केवा तमर रजऊ जरवा दलुए हो, हो बिरहा के लाइन पर गौर करी है आप लोग। बुआ के भवनवा गईली ओहू ना ठेकनवा पवली, ठेकनवा पवली। बीत लागल दुर्दिन में समैया भैया हो, भैया हो। जब अंजलि के उम्र 17 वर्ष हो गई तो बुआ के भी चिंता सतावे लगल। 17 का उमरिया भैली भारी रे कुमरिया भैली, आ गईली चाचा के भवनवा बेटी हो। मेरे साथियों, धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, 17, 18, 19 की उम्र होती है और बेटी विवश होकर के कुछ दिन इसी आजमगढ़ में चौका बर्तन का काम करके अपने पेट को पाला। उस बिटिया ने पेट के लिए कोई क्या नहीं कर सकता। मेरे साथियों, आज वह बेटी दुर्दिन की समय देख रही है, पेट जब खाली है तो पेट को पालने के लिए वह बिटिया चौका बर्तन का काम करती है। आखिर अंतोगतवा परिणाम यह निकला, 18-19 की उम्र हो गई, अब दुनिया वालों की डर सताने लगी बेटी को। मेरी नई उम्र है, मेरे साथ कोई गलती भी कर सकता है। अपने आप को बचती हुई बिटिया चाचा के घर आ जाती है कोलबाज बहादुर में। ए भैया कुछ दिन बिटिया बितौली है। ए भैया थोड़ी दिन के बाद चाचा चाची अंजनी के मारे पीटे लगलन। घर के अंदर कोठरी के अंदर बंद करके दिन दिन 12 घंटा 8 घंटा कोठरी के अंदर बंद कर देते थे और भोजन भी अंजनी के ना दें। अंजनी एक दिन चाचा मारे लगलन और अंजनी चाचा का पैर पकड़ के रो के एक बात कली। का कहली? एक लाइन तरस बदल गया मास्टर। वह तर्ज के लाइन बाप कौनो मेहरारू कमरत लगलन कलकत्ता जाए। मेहरारू अपना मरत के भर अखबार धो दिली, धो के कहो तारी ए राम जी हो राम जी। परदेश कमाए मौत जाई तो कहाँ काहे न जाई। यह कहली है, अरे कहली डूबी मर पाए राजा जी। बलम जी
कालियार डूबी मर भाये राजा चाही बाजो पूर्व के दसवा ही पूर्व समय राजा दस बन लीलिया दस बन लीलिया राजा दस बन लीलिया के मतिया फेरी ली गए राजा जादू चलाई के मतिया फेरी ली गए राजा चाही बाजो पूर्व के दसवा तू भी मर पाए राजा चाही बाजो पूर्व के दसवा चाही बाजो पूर्व के दसवा किले पंचो जब चाचा मारे लगलन बिटिया चाचा का पैर पकड़ के रोत बा का कहत बा परम आदरणीय आप श्री विनोद यादव प्रधान जी आपके द्वारा स्वागत किया गया इस मंच पर स्टूडियो में 1000 रुपए का स्वागत किया गया। बहुत बहुत नमस्ते सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। जितेंद्र भाई कहना बा जानी मारा ये चाचा जानी मारा ये चाचा बेटी का परनवा अपने कायल कसूर कहा कायल कसूर पहला तू समे जन मराए चाचा बेटी का पर नवाए रो के बिटिया कहत बा चाचा आखिर कौन कसूर कैले ही सोने का अंजाम ऐसा देत हुआ चाचा। बिटिया पैर पकड़ के रोत बा चाचा कई बेला से खाना भी चाची न दे चाचा चाचा मत मारा चाचा। लेकिन रो के बिटिया कहलस अरे बचपन में मारी गईला बाप महतारिया हो जीवन का निवारिया हो बाल भुखाइल तनी बाल भुखाइल तनी दे दे खनवा अपने जन मराए चाचा बेटी का पर नवाए अपने बिटिया चाचा का पैर पकड़ के रोत बा चाचा आखिर कवन कसूर कैले ही चाचा जौने का अंजाम ऐसन देत हुआ। ए चाचा चाची रोज कहली की जाके तमसा नदिया में मोहटी घाट पर डूब के मर जो। ए चाचा बाबू माई मर गईला इससे बड़ी विपत का होई चाचा तोरे एगो सहारा बा अ तू
मारे ला गरिया वेला खाना भी न दिला चचा, काहे अबला के बिटिया के काहे सतावत हुआ चचा। बाबू माई मर गईलन, एगो सहारा टूट गल चचा। अगर बाबू माई हमार होता था आज दुर्दिन का दिन देखे के न हो चचा। बिटिया चाचा के पैर पकड़ के रोत बा, एक बात कहत बा विदेशिया प्योर विदेशिया बा मास्टर। यह विदेशिया का लाइन बा, कहा दिनवा गिनात हर मोर अंगुर से किसनी रे, रहिया जो खत ने ना ढूरे रे विदेशिया। लेकिन बिटिया चाचा का पैर पकड़ के रोत बा, का पैरवा पगेर रोवा अरे यसुआ के डूरी रोवा, आधा जल में फसल बा नेवरी आए बाबूजी। माई जन्म के कहा, अरे हमारा के छोड़ी गईली, अरे जाए हम के करे दुवरिया बाबूजी। कि गांव का पड़ोसी ने का ए बाबू बुढ़िया जननावाता, अरे विनोद प्रधान जी के अरे देहली खबरिया, अधजल में फसल बा अबला का नहीं आता, अरे बन जाए बाजाए के हे वैया बाबूजी। खबर पाते हैं एक बूढ़ी औरत के द्वारा खबर मिली और चल दिए विनोद यादव प्रधान कोलबाज बहादुर। धन्य है विनोद यादव जब दरवाजे पर पहुंचते हैं मेरे साथियों, उस समय एक लाइन तर्ज है और देखिए हमारे भाई, आइए आइए जितेंद्र भाई, 501 रुपए से स्वागत किया गया जो हमारे जितेंद्र भाई प्रधान जी के बड़े अजीज हैं विनोद भैया के, इनके देखरेख में गाना गाया जा रहा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तर्ज बदल गया मास्टर। यह तर्ज के लाइन बा, झांझर मालौआ जनता वही है बाबूजी, झांझर मालौआ जनता वही है बाबूजी, लगी है सुरू जावा के घाम हो, लेकिन बिटिया कहले रहे आधे मलौवा मर, अरे नई हर का लोगावाता आधे में से नूर मारा हो, झांझर मलौवा जल छा वही हाय बाबूजी, लगी हर सुरू जावा के घाम हो।
लेकिन बिटिया रोके कहलसिया धाई के चरणवा के धाई के चरणिया के रोवा बहिलिया ता। प्रधान जी विनोद यादव का पैर पकड़ करके वो बेटी रोने लगी, भैया मैं कहाँ जाऊं, माँ बाप तो बचपन में ही साथ छोड़ दिए। विनोद यादव की आंखें भर गई, रोने लगे साथियों के साथ खड़े हैं। धाई के चरणिया के रोवले बहिनिया ता, धाई के चरणिया के रोवा बहिनिया ता, उजड़ल बाबा दिया हमारा हो। ये कहलस अरे माई जो रहती ता अरे हम के दूला रवती अखिया से दूर नहीं बेटी के घटवती, बाबू जो रही तता बाबू जो रही तता प्यार बरसवता हो, बाबू जो रहता ता प्यार बरसवता हो, अखिया से बरसला लो रहो। विनोद यादव तुरंत अपने साथियों को बुलाए, गुड्डू निषाद गोविंदा निषाद को बुला करके मंत्रणा किया गया और गोविंदा निषाद और हमारे जाबाज साथी विनोद यादव प्रधान कोलबाज बहादुर और मेरे साथियों राय लेते हैं पूर्व प्रमुख आदरणीय आजमगढ़ के सरताज आजमगढ़ के नौजवानों की धड़कन आदरणीय रामायण यादव चचा की धर्म पत्नी निर्मला देवी से भी मिलते हैं प्रधान जी और एक योजना बनाते हैं। और ये हमारे साथी जो प्रधान जी विनोद यादव के बड़े ही अजीज हैं और उनके छोटे भाई हैं, बहुत बहुत प्रणाम है और हजारों रुपए से स्वागत किया गया, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। काना बाब बधायल बधायल कर अंजनी के कंगना, अरे बधायल कर अंजनी के हो, बधायल कर अंजनी के कंगना, अरे पियस अली कली सावन के दिन रायल। मेरे साथियों विनोद यादव प्रधान कोलबाज बहादुर और रामायण यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख और आजमगढ़ के बड़े ही जाबाज साथी और परम आदरणीय उनकी धर्म पत्नी निर्मला यादव, गोविंद निषाद, सहदेव यादव, तमाम लोग, जितेंद्र भाई, तमाम लोग उपस्थित होकर के और आनंद फानन में शादी की व्यवस्था किए। लेकिन ये पंचो साधु यादव के सुपुत्र बलवंत यादव, दुर्गा प्रसाद यादव के सुपुत्र विजय यादव, रामचंद्र यादव, तमाम लोग उपस्थित होकर के शादी की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरे साथियों चर्चा होने लगी कि विनोद यादव जैसा पूरे आजमगढ़ की बात छोड़ दीजिए, इस धरती पर कोई खोजने पर मिलने वाला नहीं है। गरीबों का मसीहा, गरीबों की मदद करने वाले विनोद यादव को अशोक लाल यादव प्रणाम करना चाहता है। भाव है मेरे साथियों एक लाइन, जितेंद्र बाबू हत तरजी है कौनो मेहरारू कमरत गौना करा के राजन बाबू, परदेश चल गई लो तो मेहरारू कहतिया क्या कहती है, अरे गबना करा के राजा जी,
अरे बसला शहर में उठेला दरदिया रे हमारा, उठेला दरदिया रे हमारा, बतरे गो तर में उठेला दरदिया रे हमारा। धुआरे भागल भगिया में अगिया लागल, नैहर हर चढ़ल जवनिया उतरल सुर उठला दरदिया रे हमारा, उठला दरदिया रे हमारा, पकड़े गो तर में उठला दरदिया रे हमारा, पकड़े गो तर में उठला दरदिया रे हमारा। लेकिन बतावल गए लोग चर्चा करे लगलन का विनोद यादव की, क्या चर्चा कर रहे हैं? बिटिया के लाज बचौला, बिटिया के लाज बचौला, आजमगढ़ शहर में बसलो विनोद हो यादव, बसलो विनोद हो भैया सबके जी घर में बसल विनोद हो भैया। यह कहना बा गरीबन का भैया लैला, चंदा तक उस बाबू चंदा बसला विनोद हो यादव, सबके जी घर में बसला विनोद हो यादव, सबके जी घर में बसला विनोद हो यादव। मेरे साथियों, बिटिया की शादी, अंजनी की शादी, अनाथ बिटिया की शादी, एक टूअर बिटिया की शादी, जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। सगा खून अपना चाचा जब धुतकार दिया, तो मेरे साथी कोलबाज बहादुर के प्रधान विनोद यादव ने लोगों को इकट्ठा करके बिटिया का कन्यादान करने का विचार बना लिया। बाहर मेरे साथी कहना है, अरे मोहटी के घटवा लैला, मंडप बनावल गैला, इक्कीस जुलाई इक्कीस जुलाई आइल, सबके नजर में बसल विनोद हो यादव, बसल विनोद हो भैया, सबके जी घर में बसल विनोद हो यादव।
मोटी बाबा की कुटी पर, तमसा नदी के पावन तट पर, जहां पे छठ पूजा में मैं कई बार गाने गया हूं, वहां पे मंडप लगा शादी का और बारात कहीं अदर जगह से नहीं आई। बारात तो हमारा पैतृक स्थान रौना पार है। अब भनपटी ग्राम पंचायत का मैं प्रधान हूं, मेरे बगल की सटी हुई ग्राम पंचायत अजगरा मसर की, जिसको कहा जाता है नैनी जोर, वहीं आप बंधे से थोड़ा सा आप दक्षिण जाएंगे जो इंटरलॉकिंग गई है, उसी पर सरवन निषाद का घर है। सरवन का बेटा जिसका नाम वकील निषाद है, वहीं से बारात आजमगढ़ मोहटी घाट पर आई। बताया गया साथियों, हरिश्चंद्र यादव मल्लिकार्जुन के सुपुत्र संजय यादव की सफारी गाड़ी में बिठा करके आदरणीय विनोद यादव प्रधान कुल बाज बहादुर मेरे साथियों अपने घर पे बेटी को सजाए, सजा करके पूरा सामान लेकर के मोहटी घाट पर, जहां पे हाथी घोड़ा आर्केस्ट्रा तमाम सारी व्यवस्था है, लगभग 2,100 लोग भोजन किए। ऐसे प्रधान भाई विनोद यादव को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की चीर बढ़ाया था, दुशासन खींच रहा था चीर, और उसी तरह विनोद यादव ने एक बहन की, एक बेटी की इज्जत अपने हाथों बचाया है। प्रणाम करना चाहता है शोकलाल यादव। अलहक लाइन में भैया कितना लोग चलन है, अलहक भाव है। कि हाय राम धन्य धन्य आजमगढ़, अरे यहा धन्य बाधरतिया बाबू, ऋष दूर बसा जाव दत्तात्रेय धाम, उत्तर में सरजू दक्षिण तमसा का लहरिया बाबू, माई पल्हा का जहां अमर पाट धाम, धन्य भैरव बाबा जवन माता का धरतिया भैया, हम पैदल हलो सुख देव पहलवान, दुर्गा बलराम लोरा नायन का धरतिया बाबू, राम नरेश यादव चंद्र जीत के पाखान, रहल राम जनम जवन रिख दो भी माया दो भैया, जहां पैदा भैले हर चल यादो संदावारी, साधु बलवंत यौरी पी जया दो गईला भैया, पवल खबरिया जब भिखु याद सुनल बाबू, नाम कैल बेटा नाम कैल बेटा लगव कर मोहटी घटवा पर निर्मला देवी आई गई बाबू, यादव
वही सराहा धरधा नौती का सुगनवा बाबू हवा बिनोद कोल घाट के पर धमगन लोग कहते हैं कि विनोद यादव कोलबास बहादुर के प्रधान मेरे साथियों यह धरती आजमगढ़ की दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा का धाम है। आप लोग नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, माता सती अनुसुईया के तीन पुत्र पैदा हुए जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु का अवतार है। दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा का धाम है आजमगढ़। अगर जानना चाहते हैं यही धरती आजमगढ़ की है। अगर काशी में भगवान भोलेनाथ पैदा हुए तो आजमगढ़ में माता सती ने पैदा लिया है। रामचरितमानस गवाह है, सती मरण जब शंकर पायो तो वीरभद्र का कोप उठायो। यही बाबा भैरवनाथ की धरती जहां पर महाराजा दक्ष बिटिया बनकर के सती ने जन्म लिया था और महाराजा दक्ष की नगरी को आज महाराजगंज कहा जाता है। भैरव बाबा का अवतार है। मेरे साथियों बताया जाता है राम नरेश यादव की धरती है, भीमा यादव की धरती है, चंद्रजीत यादव की धरती है, दुर्गा यादव की धरती है, रमाकांत यादव की धरती है और रामायण यादव की धरती है। यार चाहे पर उनके कदकाठी का कोई पहलवान पूरे भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ, आधे भारत में कोई उनके जोर का पहलवान पैदा नहीं हुआ जो यदकुल में जन्म लिए सुखदेव यादव, जिनको मेरे साथियों पूरा हिंदुस्तान जानता है अपने जमाने के अच्छे पहलवान रहे। ऐसी धरती पर एक बिटिया की, एक बेटी की इज्जत बचा लिया मेरे साथी विनोद यादव कोलबास बहादुर के प्रधान। मैं प्रणाम करना चाहता हूं साथी को, लेकिन आखिरी भाव है मेरे साथियों। जब कन्यादान करने चलते हैं विनोद यादव साथ में चाची निर्मला देवी, रामायण यादव, गोविंद साहनी और गुड्डू यादव, बलवंत यादव, विजय यादव ब्लॉक प्रमुख जो हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं, तमाम साथी उपस्थित होते हैं। संजय भाई, सारे साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। गांव के 2100 लोग जाकर के मौके पर मोटी घाट पर भोजन किए। कहना है, कहना क्या है मास्टर, आखिरी भाव है। अरे धन्य धन विनोद, अरे धन्य सोच तारी, अचल अंजल बहिनिया ससुर के नगरी। मोहटी घाट पर माता तमसा के पावन तट पर अवंतिकापुरी इसी आजमगढ़ में है। कहना है अरे मोहटी के घाट, अरे विनोद यादव कई न कन्या धनवान, अरे सुछल छलाए लागल सब के नया नवा। बाप बन के कैलम अरे कन्यादान तई घरी, ते चलली अंजलि बबुलिया ससुर के नगर। मेरे साथियों बेटी डोली में बैठ करके सारे लोगों का चरण स्पर्श करके जब अपने ससुराल की ओर चलती है, सारे लोगों के आंखों में आंसू छलछलाने लगा। कहती है जब कलेजा तो तब फटने लगा मेरे साथियों, जब अंजलि गाड़ी में बैठने से पहले सारे लोगों का चरण स्पर्श करती है
प्रणाम करती है कि भैया लोगन अगर कोनो त्रुटि भैल हो तो क्षमा कह दा, क्षमा कह दा भैया। भा है मेरे साथियों आखिरी कड़ी। गुरु बिहारी गुरु पत्तू कह खत्म हुआ दस्तान, राम योद्धा चंद बोले अरे काशी का किया बयान। अरे राम बधायल कर अंजनी के कंगना, तया दो अशोक लाल से होत भी रही घायल, बधायल कर अंजनी के कंगना।